हेलो एवरी वन वेलकम टू आर एजुकेशन फाउंडेशन आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटी व्यस्त होंगे मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन में जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे एपी ए पी में हम पढ़ रहे थे क्या सम ऑफ समी समी में हमने एनसीआर के क्वेश्चन नंबर एट तक को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए था आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर नाइन से आगे तक ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने हम करेंगे ताकि उतना ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आप बोर ना हो है ना तो वीडियो ज़्यादा लेंदी होती जाएगी तो मैं वहीं पर क्वेश्चन को ब्रेक कर दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो टेंशन नहीं लीजिए आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं दी जाएगी आप उतना ही करिए जितना इस वीडियो में किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सब लैप्स हो जाएगा सब कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट अपना क्या लेक्चर सबसे पहले आता है अपना क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन इज़ 49, इज फोर्टी नाइन एंड टर्म इज़ नाइन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म देखो इफ द सम इफ द फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज फोर्टी नाइन मतलब सेवन टर्म का जो सम है वो कितना है फोर्टी नाइन पहले एंड दैट ऑफ सेवन सेवनटीन टर्म इज़ टू हंड्रेड एट्टी नाइन उसी के सेवनटीन टर्म्स का सम जो है वो टू हंड्रेड एट्टी नाइन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फर्स्ट एन टर्म का सम कितना होगा एंड दैट ऑफ सेवनटीन टर्म इज़ टू हंड्रेड एट्टी नाइन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फर्स्ट एंड टर्म का सम कितना होगा फर्स्ट सेवन टर्म इज इज एंडट ऑफ सेवेंटी टर्म्स इज टू हंड्रेड एट्टी नाइन दो एक क्वेश्चन आपके पास है कौन कौन सा ये एस सेवन एस सेवन मतलब क्या है आपके पास सर फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ए है ना एन बाई टू इसको पहले एन बाई टू रखेंगे कितना है सेवन बाई फिर टू ए प्लस एट सेवन माइनस सिक्स डी हो जाएगा है ना सिक्स डी ये हो गया फिर सिमिलरली सेवेंटीन टू हंड्रेड एट्टी नाइन हो गया क्या हो जाएगा सेवनटीन बाई टू और इन अंडर, अंडर ये क्या हो जाएगा टू ए प्लस सिक्सटीन डी टू से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा थर्टी फोर ए हो जाएगा ये थर्टी फोर ए नहीं सेवनटीन ए हो जाएगा क्योंकि क्या करना है ध्यान से देखो मैं इस टू को अंदर लेके जा रहा हूँ इस टू को जब अंदर लेके जाऊँगा तो ये सत्रह हो जाएगा ये ए हो जाएगा और ये एट डी हो जाएगा और ये टू हंड्रेड एट्टी नाइन है ये सेवनटीन हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से टू अंदर जाएगा सेवनटीन सेवनज़ा फो फोटी नाइन हो जाएगा ये सेवन इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री डी हो गया पहला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन क्या बना सेवनटीन इज इक्वल टू ए प्लस डी सेकेंड इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी विल ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी ठीक है सॉल्व करते हैं तो सेवन ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी और इसमें माइनस कर देते हैं माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू माइनस ए माइनस एट डी देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में दस और ये क्या हो जाएगा माइनस में फाइव डी माइनस माइनस कैंसिल डी की जो कल टेन बाई फाइव आ जाएगा डी की वैल्यू कितना आ गया डी की वैल्यू आ गई आपके पास टू की आ गई टू आ गई अब जब डी की वैल्यू आपके पास टू आ गई है डी की वैल्यू जब आपके पास टू आ गई है तो हम एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में रखते हैं सेवन इज इक्वल टू ए प्लस थ्री इंटू फाइव एक वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन माइनस फिफ्टीन एक वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में आठ एक वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई एक वैल्यू कितना है माइनस एट डी की वैल्यू कितना है क्यू टू सॉरी अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है सर जी हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी आपकी फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म एन टर्म का सम निकालना था तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंथ टर्म क्या सम ऑफ समर्मल मतलब एस एन इजोक्ल्ट क्या हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन बाई टू एन एक्सटर्म निकलना ही है टू ए की वैल्यू कितना है माइनस में एट है प्लस एन माइनस वन निकालना ही है डी की वैल्यू कितना है दो है कितना हो जाएगा एन बाई टू माइनस में सिक्सटीन और ये प्लस टू एन और माइनस में टू माइनस एक्सटीन माइनस टू माइनस एटीन है ना तो ये एन वाई टू रहने देते हैं माइनस में एटीन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में टू एन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में नाइन एन क्योंकि टू इधर डिवाइड कर नाइन टू जो एटीन होता है माइनस में नाइन एन हो जाएगा और ये टू से टू कैंसिल करके ये हो जाएगा प्लस में एन स्क्वायर तो जो एस एन की वैल्यू आई वो कितना आई एस एन की वैल्यू आई वो आपके पास एन स्क्वायर माइनस में नाइन एन दिस इज योर आंसर दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर यही आपको फाइंड करना था कि सम ऑफ टर्म कितना आएगा तो आप निकाल लिए सर सम ऑफ टर्म जो वो N square minus 9N आएगा वो एन स्क्वायर माइनस नाइन एन आएगा बात समझ में आ गई सच बताना पक्का ना कोई दुख तकलीफ तो नहीं है पक्का नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन क्या है ध्यान से देख लो so that the a1, a2, and एंड and from n where is the एन is defined as the below विलो n is equal to a plus 4n and फोर एन एंड एन इज इक्वल टू फाइव नाइन माइनस फाइव एन sum of द सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्टीन टर्म देखिए आपको सम ऑफ फिफ्टीन टर्म निकालना है मतलब एस फिफ्टीन दोनों में निकालना है क्या निकालना है एस फिफ्टी दोनों में निकालना है सम ऑफ एन टर्म के लिए एन की वैल्यू आपके पास फिफ्टीन दिया है मुझे ना तो ए पता है ना तो डी पता है जब ए डी नहीं पता है तो उसके लिए हमें ए पी पता होना चाहिए तो ए पी जो है वो इस तरीके से निकल जाएगा आपके पास ए एन इज कर लो थ्री प्लस फोर एन गिवेन है वन एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो आपके पास ए वन आ जाएगा क्या आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू थ्री इं फोर इं वन कितना हो जाएगा सेवन तो ए वन मतलब ए इसको हम ए लिख सकते हैं तो और ए टू कैसे आ जाएगा सर ए टू जब बात करेंगे मतलब एन इज इक्वल टू टू रखेंगे जब तो ए टू की वैल्यू आएगी थ्री थ्री प्लस फोर तो यहाँ पे क्या हुआ इलेवन हुआ ए टू की वैल्यू कितना, कि? 11 7, मतलब आ, कितना गया? आ गया इलेवन तो यहाँ पे डी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी ए टू माइनस ए वन मीन्स इलेवन माइनस सेवन मतलब फोर आ जाएगा डी की वैल्यू कितना आ गई फोर आ गई अब आपके पास एस फिफ्टीन निकालना है क्या निकालना है एस फिफ्टीन निकालना है मीन्स आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अरे हाँ या ना हम सॉल्व करेंगे एस फिफ्टीन की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी फिफ्टीन बाई टू और टू ए एक वैल्यू कितनी है यहाँ पे अभी निकाला था सेवन प्लस फिफ्टीन माइनस वन मतलब कितना फोरटीन और डी की वैल्यू कितना है वन बाई डी वैल्यू फोर है है ना दो अंदर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा ये पंद्रह हो गया ये सेवन ही रह जाएगा ये ट्वेंटी एट हो जाएगा थर्टी फाइव हो गया थर्टी फाइव इंटू फिफ्टीन ये आपका आंसर आ जाएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ये एस फिफ्टीन आ गया मैंने एक क्वेश्चन तो बता दिया दूसरा आपको इसी तरीके से करना है सिमिलरली ए वन निकालना ए टू निकालना डी निकालना, निकालना तीनों आ जाएगा एस फिफ्टीन निकाल सकते हो ऐसे ही सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर टेन भी हमारा इस तरीके से होगा किसी को बच्चे को डाउट होगा तो आप निसंकोच कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको वो डाउट बताया जाएगा मैं बार बार बोलता हूँ आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर क्वेश्चन नहीं समझना है मैं बता दूंगा लेकिन आप लोग क्या करते हो क्वेश्चन सॉल्व किए पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे क्या पता कैसे आएगा तुमको है ना तो तुम कमेंट करोगे तो भी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई तुमको समझ में आ रहा है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या लिखा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंडर्म ऑफ एन ए पी फोर एन स्क्वायर फोर एन माइनस एन स्क्वायर मतलब अब की बार एस एन की वैल्यू दे रखी है कितने एस एन की वैल्यू दे रखी है फोर एन माइनस एन स्क्वायर ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से कराया हूँ शायद यही क्वेश्चन ही तो नहीं कराया हूँ ए शायद यही क्वेश्चन तो नहीं कराया हूँ कोई दिक्कत नहीं कराए होंगे तो फिर से करा देता हूँ है ना अच्छा मैं बात करूँ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डाट डाट ए वन ये कोई ए पी में है कोई आपके पास ए पी की है अगर मैं एस वन की बात करूँ एस वन मतलब एक टर्म का सम एक टर्म का सम जो एस वन निकलेगा वो ए वन निकलता है कि नहीं निकलता तो अगर हमें एस वन निकाल लें पहले एन की जगह हमारे तो एस वन आएगा और ये एक वैल्यू मिल जाएगी है ना तो मतलब फोर इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो एस वन मतलब ए वन एक वैल्यू कितना आ गई थ्री आ गई अब की वैल्यू थ्री आ गई अब हमें एस टू निकाल लेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे एस टू मतलब दो टर्म कसम फोर इंटू टू माइनस फोर है ना कितना आ गया आपके पास फोर आ गया कितना, S2 कितना आ गया एस टू की वैल्यू कितना आ गई फोर आ गई एस टू की वैल्यू कितना आ गई फोर आ गई क्या आ गई फोर आ गई सर जी फोर टू टू इज फोर और फोर माइनस फोर कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है की वैल्यू टू रखने पे फोर टूज द एट माइनस फोर आंसर सही आ रहा है आंसर टू एस टू की वैल्यू फोर आ गई तो अगर हम बात करें जो एस वन और एस टू होगा उसमें तो एक ए वन ही है और दूसरा एस टू हो गया इज इक्वल टू सॉरी जो एस टू होगा वो क्या होगा ए वन प्लस ए टू इसमें आपको ए वन की वैल्यू पता है क्या पता है एवन की वैल्यू आपके पास पता है थ्री ए टू नहीं पता ए टू हम निकाल लेंगे सर कैसे एस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू ए टू हो जाएगा तो ए टू की जो वैल्यू आ गई एस टू एस टू कितना है फोर फोर माइनस थ्री कितना आ गया वन तो ए टू की वैल्यू कितना आ गया वन कितना आ गया मेरे भाई वन अब आपको ए की वैल्यू पता चल गई डी की वैल्यू पता चल गई डी वैल्यू कितना है डी वैल्यू होता है ए टू माइनस ए वन मीन्स वन माइनस फोर कितना आ गया आपके पास माइनस में थ्री डिक वैल्यू माइनस में थ्री आ गई एक वैल्यू आपके पास फोर है दोनों का काम हो गया हमें क्या निकालना है हमें निकालना है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म आपका कितना आया ए टू ए टू आपके पास आया वन ये भी आंसर आ गया सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म थर्ड टर्म क्या हो जाएगा सर जी ए थ्री ए थ्री कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर ए थ्री जो होता है ए थ्री जो होता है वो कितना होता है ए थ्री होता है ए प्लस टू डी कितना हो जाएगा ए प्लस टू डी है ना? तो हम रख लेते हैं एक वैल्यू क्या है एक वैल्यू जो हो जाएगी सर थ्री फोर है अरे भाई क्या हो रहा है कहीं पे मक्खी बैठ गई है क्या चल कह नहीं रहा है फोर प्लस टू इंटू डी की वैल्यू कितना है माइनस थ्री तो फोर माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस टू तो ए थ्री की वैल्यू भी आ गई मतलब तीसरा टर्म भी आ गया है ना और कुछ और कुछ देखते हैं क्या पूछा है एंड टेंथ एंड एंथ टर्म टेंथ टर्म में निकालना है अच्छा गुरु टेंथ टर्म ए टेन मतलब ए प्लस नाइन डी निकालना है ए टेन ए की वैल्यू कितना है सर फोर है डी की वैल्यू कितना है सर डिग वैल्यू कितना है सर माइनस में थ्री है फोर माइनस ट्वेंटी सेवन कितना हो जाएगा सर ट्वेंटी थ्री माइनस में ट्वेंटी थ्री तो ए टेन की वैल्यू आ गई एन एफ टेम निकालना है ए एनजुक् वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना ए की वैल्यू कितना है सर जी फोर है एन माइनस वन डी की वैल्यू सर जी कितना है माइनस में थ्री है मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस में थ्री एन या प्लस में थ्री हो जाएगा सेवन माइनस थ्री है ये ए एन की वैल्यू आ गई देख रहे हो आपके सामने सारा का सारा रिजल्ट ऐसे आ गया जैसे कि कोई सपना सपना नहीं जैसे कोई बाय हाथ का खेलो चुटकियों में आ गया चुटकियों में क्या आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देख रहे हो कितना आसानी था सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने ए वन ए टू निकाला ए वन ए टू निकालने के बाद मैंने क्या किया एस टू निकाला सॉरी सबसे पहले एस टू एस वन निकाला एस टू एस वन निकालने के बाद दोनों के हेल्प से एन ए टू निकाला जो कि मैंने बताया क्यों होती हैं चीज़ें इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर इलेवन भी आपका मैंने सॉल्व करा दिया अब कितने क्वेश्चन बाकी हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब अभी तक इलेवन है तो ट्वेल्व थर्टीन और करा देते हैं अभी है ना टाइम है तो फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजल बाई सिक्स फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजल बाई सिक्स एन की वैल्यू दे रखी है ए की वैल्यू क्या दे रखी है सिक्स से डिविजल सिक्स से पहले डिविजल क्या हो जाएगा खुद सिक्स है ना और ए टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व अब लास्ट वाला पता नहीं है तो हमें ये सैन निकालना पड़ेगा कितना है एस फोर्टी तो ये फोर्टी अपॉन टू हो जाएगा टू ए ए की वैल्यू कितनी है सिक्स प्लस फोर्टी माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू कितना है सर जी ग वैल्यू कितना है यहाँ पे सिक्स चार कर लेते हैं ट्वेंटी हो जाएगा ये एट्टीन हो जाएगा ये थर्टी नाइन इंटू सिक्स आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर ठीक है कोई दुख तकलीफ नहीं होगी आप आराम से करिएगा फिर जो भी आएगा उसको टोटी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई मल कर दीजिएगा आपके सामने आपका आंसर होगा कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है फाइन द सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्टी टर्म मल्टीपल ऑफ एट ये भी सेम हुए क्वेश्चन है एट का मल्टीपल होना चाहिए है ना एट का मल्टीपल होना चाहिए बिल बेहद आसान है एट का टेबल पढ़ते चला जाओ सीरीज बनती चली जाएगी फाइन द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन जीरो एंड फिफ्टी ये भी आसान है ज़ीरो एंड फिफ्टी के बीच के जितने भी ऑड नंबर हैं सब लिख लेना उसका एक ए पी बनेगा और वो जो ए पी बनेगा उसका आप सब निकाल लेना एक कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब स्पेसिफिक अ पेनाल्टी फॉर अ डिले फॉर कंपटिशन बियॉन्ड द हर्टन डेट्स फॉलोज टू हंड्रेड फॉर द फर्स्ट डे टू हंड्रेड फिफ्टी फॉर द सेकेंड डे टू हंड्रेड फिफ्ट देखिए आपके सामने पहले दिन कितना लगा है टू टू हंड्रेड दूसरे दिन टू हंड्रेड फिफ्टी तीसरे दिन पेनाल्टी जो है अगर डिले की पेनाल्टी तो पहले दिन दो सौ पेनाल्टी तीसरे दिन दो सौ पचास चौथे दिन तीन सौ ऐसी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है पचास पचास पर डे है ना कितने दिन बाद करना है बाय द थर्टी डेज थर्टी डेज में उसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी थर्टी डेज में कितनी पेनल्टी हो जाएगी तो मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म थर्टी हो जाएंगे मतलब एन की वैल्यू आपके पास थर्टी गिवन है एक वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है सर टू हंड्रेड है एन की वैल्यू आपके पास थर्टी और डी की वैल्यू कितना है सर फिफ्टी गिवन है अब आपको निकालना है थर्टी डेज में उसने कितनी पेनाल्टी भरी मीन्स जितनी पेनाल्टी भरी सबका सम कर लो वो आपका टोटल पेनाल्टी हो जाएगा मतलब एस थर्टी आपको निकालना है एन बाई टू मतलब थर्टी बाई टू और टू ए टू ए मतलब ये हो गया फोर हंड्रेड प्लस थर्टी माइनस मतलब ट्वेंटी नाइन इन डी डी कितना है फिफ्टी इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो पंद्रह से मल्टीप्लाई करके फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी नाइन इंटू फिफ्टी कर लेना आपके सामने जो आएगा वो आपके आंसर्स होंगे ये इस इतना आसान क्वेश्चन है कि जाके आप चुटकियों में कर दिए मतलब सेकंडों में कर लीजिए सेकंडों में नहीं नाइनो सेकंड में कर लोगे कितने सेकंड में कर लोगे नाइनों सेकंड में कर लोगे नाइनो सेकंड मतलब टाइम के जाने तो छोड़ो ज़्यादा ही सच बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक आदमी था जो पर डे अगर डिले होता था उसको कितना पेनाल्टी देने पड़ता था सौ फिर दूसरे दोबारा जब होता था तो दो पहले दिन दो दूसरे दिन दो पचास, फिर पचास पचास जितने दिन डिले होता जाएगा उतना उतना, उतना वो पचास पचास इंक्रीज होता जाएगा तो दस तीस दिन अगर वो डिले हो गया तो वो टोटल अमाउंट कितना देगा तो वो टोटल अमाउंट कितना हुआ इतना हुआ बात समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सम ऑफ द सेवन हंड्रेड इज टू बी यूज टू द गिवन सेवन कैश प्राइज स्टूडेंटेंज स्कूल देर ओवरऑल आई गन विरफॉरमेंस इफ इच प्राइज ट्वेंट मीटर लेन इट प्रसडिंग प्राइज फाइन वैल्यू ऑफ इच ऑफ द प्राइजेज फाइंड वैल्यू ऑफ इच ऑफ द प्राइज समंड्रेड समुपीज सेवन हंड्रेड इज टूज टू गिवन अवन कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट मतलब टोटल सेवन हंड्रेड रुपीज हैं और इफ़ ईच प्राइजेज इज ट्वेंटी मीटर लेस दैन इट्स प्रिसडिंग प्राइज ठीक है इट्स प्रिसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस वैल्यू ऑफ ईच प्राइजे मतलब आपके साथ आपको सारे टर्म निकालने हैं अगर एक प्राइज हर दूसरे प्राइज से बीस रुपए छोटा हो है ना गिव सेवन कैश प्राइजेस सात कैश प्राइजेज हैं कितने प्राइजेस हैं इस टू बी यूज सेवन कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट टू स्कूल फॉर दियर ओवरऑल अकेडमिकस इफ इच प्राइज इज ट्वेंटी मीटर लेस दैन द इट्स प्रोसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस मतलब अगर एक का हमने ए ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा ए माइनस ट्वेंटी है ना अरे सिमिलरली कितना हो जाएगा अरे बोलिए बाबू बोलिए सम अप दिया है देखो सम एस एन दिया है इसमें किसकी वैल्यू देखिए देखिए यहाँ पे ये यह जो वैल्यू है वो एस एन की वैल्यू है किसकी वैल्यू है एस एन एस एन एज ओक्कअल टू सेवन हंड्रेड है अब सेवन हंड्रेड टोटल रुपीज़ थे आपको यूज़ किया जाता है इसको प्राइस करने में कितने लोगों के सात लोगों में तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए एन एज ओक्कअल टू सेवन हो गए और यहाँ पे हर टर्म में मतलब बीस रुपये कम है मतलब डी की वैल्यू ट्वेंटी होगी है ना मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया ट्वेंटी हो गया तो हमें सबसे पहले कोई भी अगर निकालना है कोई भी सब टर्म निकालना है तो हमें ए की जरूरत होगी क्योंकि एप में ही हम डी जोड़ते जाते हैं तो सबसे पहले एक ऐसे निकालेंगे ध्यान से देख लो हमें एस एन का वैल्यू दे रखा है एन की वैल्यू आपके पास सेवन है एस सेवन बाई टू हो जाएगा टू ए होता है प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पर सेवन है मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू सेवन रख दिया होता पहले से सेवन माइनस वन इन टू डी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अब लोग यहाँ सर बातें तो यहाँ तक समझ में आ रही है एस एन की वैल्यू कितना है सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन बाई टू हो जाएगा सेवन से हंड्रेड ये हो जाएगा और यहाँ अंदर बचा है टू ए प्लस सिक्स डी डी की बेलो यहाँ पर है सर कितना है ट्वेंटी तो अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे ये हो जाएगा हंड्रेड इज इक्वल टू ए और ये थ्री हो जाएगा क्योंकि टू से डिवाइड हो जाएगा सिक्स थ्री होगा और ये सिक्सटी बन जाएगा सिक्सटी देख जाएगा तो एक वैल्यू कितना आ गया सर एक वैल्यू आपके पास आ गई साठ माइनस सॉरी साठ माइनस हंड्रेड कितना हो जाएगा साठ माइनस हंड्रेड सिक्सटी माइनस हंड्रेड हो जाएगा आपके पास सिक्सटी माइनस हंड्रेड सिक्सटी माइनस हंड्रेड हो जाएगा आपके पास फोर्टी कितना हो जाएगा फोर्टी तो एक वैल्यू आपके पास फोर्टी आ गई तो पहला फोर्टी दूसरा देखिए यहाँ पर जो ए है वो सबसे कम वाली वैल्यू होगी ये बोल रहे हैं स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा मीन्स हम सबसे कम वाला कौन होगा फोर्टी लास्ट वाला जो सेवंथ स्टूडेंट होगा वो क्या पाएगा फोर्टी रुपीज़ पाएगा फिर इससे बाद ये बीस ज़्यादा पाएगा कौन ये आगे वाला ये सिक्सटी पा जाएगा ये कितना पाएगा सर ये पाएगा एट्टी ये कितना पाएगा सर ये हंड्रेड पा जाएगा सर ये कितना पाएगा इसके पहले वाला इसके पहले वाला पाएगा सर वन ट्वेंटी पा जाएगा इसके पहले वाला कितना पा जाएगा वन फोर्टी पा जाएगा इसके पहले वाला कितना पा जाएगा वन सिक्सटी पे आ कितने हुए थ्री थ्री सिक्स वन सेवन अब जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ऐड करके देख लेना सेवन हंड्रेड आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा सेवन हंड्रेड ये फर्स्ट जो आएगा उसको वन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ मिलेगा जो सेकेंड आएगा उसको वन हंड्रेड फोर्टी मिलेगा जो थर्ड आएगा वो वन ट्वेंटी पाएगा जो फोर्थ आएगा वो हंड्रेड पाएगा जो फिफ्थ आएगा जो फोर्थ आएगा वो जो फिफ्थ आएगा ये जो सिक्स आएगा वो सिक्सटी जो सेवन्थ आएगा वो फोर्टी तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था और हमने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर भी लिया है तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं है ना हमने खूब अच्छे अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भी इस तरीके से हो जाएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या लिया है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू द प्लांटिंग अ ट्री एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस इन द एयर पोल्यूशन इट दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग इन सेक्शन एग्जाम्पल नहीं सेक्शन सेलेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लान वन ट्री एंड सिलेक्शन क्लास विल प्लान टू ट्री एंड दियर आर द थ्री सेक्शन ऑफ इच क्लासेज हाउ मेनी ट्रीज विल बी बाई द स्टूडेंट्स कहाँ तक है ट्वेल्व क्लासेज तक हैं कितने क्लासेज तक ट्वेल्व क्लासेज तक पहले वाले पहला लगाएंगे दूसरे क्लास वाले दो पेड़ लगाएंगे तीसरे क्लास वाले तीन पेड़ लगाएंगे है ना चौथे क्लास वाले कितने होंगे चौथे क्लास वाले चौथे क्लास वाले कितने चार पाँचवें क्लास वाले पाँच ऐसे छः ऐसे सात ऐसे आठ ऐसे नाइन ऐसे टेन प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व तो ट्वेल्व क्लास वाले ट्वेल्व अगर एक ही क्लास वाले लगाते तो लेकिन ऐसे कितने क्लासेज हैं ऐसे आपके क्लासेज हैं कितने सर थ्री क्लासेस हैं कितने क्लासेस हैं थ्री मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ जो कुल्ड भी हो जाएंगे अब अंदर आपके सामने एक ए पी बन रहा है कौन सा सर, सर वन टू थ्री फोर फाइव अप टू ट्वेल्व टर्म तक कितना ट्वेल्व तक ट्वेल्व टर्म तक तो यहाँ पे पहला टर्म आपके पास पता है लास्ट वाला टर्म पता है बिल्कुल सही है सर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म पता है ट्वेल्व तो, तो थ्री को बाहर से लेने देते हैं यहाँ पे क्या रख देंगे ट्वेल्व बाई टू हो जाएगा और ए पता है और प्लस ट्वेल्व पता है है ना तो थ्री इंटू ये हो गया सिक्स और ये क्या हो जाएगा इंटू थर्टीन एटीन इंटू थर्टीन ये जो आएगा आपके फोर हो गया ट्वेंटी थ्री हो गया टू टू हंड्रेड थर्टी फोर जो ट्रीज होंगे टू हंड्रेड थर्टी फोर जो ट्रीज होंगे वो लगाए जाएंगे उस स्कूल के द्वारा जिसमें हर एक क्लास के बच्चे अपनी क्लास के नंबर के हिसाब से पौधे लगाते हैं ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भी अपना क्या हो गया सॉल्व हो गया फिर समझाऊं बिल्कुल समझाता हूँ इन्हों इन्होंने बोला है कि एक स्कूल में जो बच्चे हैं जिस क्लास में पढ़ते हैं उतना ही पेड़ लगाएंगे ठीक है उत उस क्लास के बच्चे उतने पेड़ लगाएंगे जितने उस जिससे जिस क्लास में वो पढ़ते हैं जैसे क्लास वन वाले क्लास फर्स्ट वाले एक पेड़ लगाएंगे क्लास सेकंड वाले दो पेड़ लगाएंगे क्लास थर्ड वाले तीन पेड़ लगाएंगे ऐसे ऐसे ठीक है अगर इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते तो कोई बात नहीं तो वहाँ पर हम अलग चीज़ें लगाते जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उतने मल्टीप्लाई करते हैं हर एक क्लास में है ना और मल्टीप्लाई हो जाता तो यहाँ पर चीज़ें आसान थी तो हो गई क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है क्वेश्चन नंबर एट्टी है स्पायरल इजमे कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली आइटा स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ ए एडिया जीरो पॉइंट फाइव ये आसान है ना फिर भी मैं कराऊंगा तो तीन क्वेश्चन हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब तीनों के तीनों केस के स्टडी हैं है ना क्योंकि केस स्टडी अलग करते हैं थोड़ा मज़ा आता है इसको करने में है ना अभी करा लूँगा तो समझ नहीं आएगा तो और हाँ तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन जो ए के हैं कहीं ना कहीं हर मतलब कहीं कही ना कहीं इस सी बी एस सी ने इसको पूछ रखा है आप देखेंगे आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा रहा है कौन से ये लॉक्स वाले और ये सर्कल वाले और दूसरा रनिंग वाले पोटैटो वाले क्वेश्चंस तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो में करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसको मैं इंपॉर्टेंट टर्म में डाल दूंगा तो वो उससे वहीं से आप देख ले सकते हैं आपको सारा वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा पूरा पूरा तो आई होप आपको समझ में चीज़ें आई होंगी आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए नजे के साथ नए दिन के साथ तब तक ले रात्रि जय हिंद बाय बाय